हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग पाठशाला पे। बात करेंगे, कल एक्सपायरी का दिन है और मार्केट कैसा मूव कर सकता है। काफ़ी बड़ा दिन है, आरबीआई पॉलिसी वगैरह भी है, तो देखते हैं। आपके सामने निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड्स। क्या हुआ कि यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाया है मार्केट ने और लगातार यहाँ से मूव किया अराउंड अराउंड, लगभग लगभग नहीं तो 500 पॉइंट प्लस मूव कर चुका है मार्केट, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो सकता है कल एक्सपायरी के दिन, क्योंकि फ्राइडे को है हमारा हॉलीडे, गुड फ्राइडे वगैरह, तो उसकी छुट्टी भी रहेगी मार्केट में। तो ये अपन ट्रेंड लाइन देख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन पे जनरली क्या होता है। जब जब यहाँ पे आया, थोड़ा इसको दिक्कत झेलना पड़ा है, मार्केट यहाँ पे आके कंसोलिडेट किया है, ठीक है। जब जब यहाँ पे आया है, एक कंसोलिडेशन फेस पे आया हुआ, ठीक है। और जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया, निफ्टी गिर गया, यहाँ भी आया, लगभग लगभग ब्रेकआउट करके गिर गया, यहाँ गिर गया, तो हो सकता है यहाँ पे है। तो अभी मैं डायरेक्टली यहाँ से ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2000 पॉइंट मतलब कि ये इस यहाँ पे ये 500 पॉइंट ट्रेवल करके आ चुका है। एक रेजिस्टेंस एरिया ये वाला भी है, तो जब भी ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ दिखे ये एक रेंज पे, और दो तीन दिन समय बिताने के बाद यदि ब्रेकआउट करता है तो आपने को एक अच्छा सा मूवमेंट मिल सकता है निफ्टी पे। ये हमारा कुछ व्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो कल के दिन हो सकता है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। आइए अपन इसको देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर कैसा दिखेगा ये मार्केट, कहाँ खुलने वाला है ये भी देख सकते हैं अपन। उसके लिए अपन देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी, देख लेंगे कि मार्केट कहाँ खुलने वाला है। तो हाँ जी, लगभग लगभग एक अंदाज़ा लग जाएगा उससे। थोड़ा बहुत गैप डाउन दिखा रहा है 33 पॉइंट का। इंडिया 50 भी देख लेते हैं, इंडिया 50 क्या कह रहा है हमारा। इंडिया 50 इंडिया 50 देख लेते हैं अपन, एक मिनट, यहाँ पे तो चार्ट हो गई। इंडिया 50 देख लेते हैं अपन, इंडिया 50 कहाँ क्या चल रहा है। तो यहाँ पे करीब 521 मतलब गैप अप दिखा रहा है ना ये, ना ना थोड़ा डाउन है, डाउन है तो डाउन है मार्केट। लगभग लगभग गैप डाउन दिखा रहा है कि हल्का फुल्का 20 से 30 पॉइंट गैप डाउन दिखाएगा। तो उस केस में अपने को क्या करना है, आइए अपन इसको समझते हैं। वन आवर चार्ट पे देख लेते हैं पहले। वन आवर चार्ट पे हाँ जी फ्रेंड्स, ये जो गैप था लगभग लगभग आज इसने फिल कर दिया है। ये देख रहे हैं गैप, दिस गैप, ये हमारा गैप था, इस गैप को मार्केट ने लगभग लगभग यहाँ पर फिल कर दिया है, ठीक है। रेजिस्टेंस एरिया है, गैप फिलिंग हो चुकी है, ये गैप था, गैप को इसने फिल कर दिया है। देखेंगे तो यहाँ से गैप आता था, इस गैप को इसने प्रॉपर फिल कर दिया, ऊपर गया और आज पूरा अच्छा इसने फिल कर दिया, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ पे अपने को एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और मार्केट यहाँ तक आपका ट्रेवल करके आ सकता है, 400 तक आ सकता है। तो 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं, तो ये एक आपका सपोर्ट दिखा रहा है, ठीक है, 17,400। तो हो सकता है कल के दिन यहाँ पे क्या हो कि ये ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रहा है मार्केट, दिस इज द ट्रेंड लाइन। तो दिखाता हूँ आपको मैं लंबे टाइम फ्रेम पे कैसा दिखा रहा है कुछ, ये एक ट्रेंड लाइन भी है ना यहाँ पे, चलिए ये ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रहा है। तो देखेंगे अगर मार्केट ये वाला ट्रेंड लाइन यदि ब्रेक करता है तो देर में भी चांसेस कि यहाँ से ये एक फॉल आ जाए मार्केट पे, और फॉल आने के बाद कुछ यहाँ तक का फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कि जो यहाँ से फॉल आने के बाद 17,400 तक 150 पॉइंट के करीब करीब यहाँ पर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आरबीआई पॉलिसी है तो ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ तक का रहेगा। ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं देख रहा है, ये एक रिट्रेसमेंट टाइप का ही है, प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ तक अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कल यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुला और ये जो रेंज है ये वाला सपोर्ट वगैरह निकालता है, तो उस केस पे मार्केट गिर सकता है और 17,400, और उसके बाद भी गिरा तो 17,300 तक भी आ सकता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस एरिया है, तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट निफ्टी, ठीक है। फ्लैट खुलने के बाद या ट्रेंड लाइन वगैरह को ब्रेक करने के बाद ऐसा करता है, तो या फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो फिर अपन ऐसा दिखेंगे। अगर मान लीजिए गैप अप खुल जाता है, तो गैप अप खुल जाता है तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा आरबीआई पॉलिसी का। आरबीआई पॉलिसी के बाद वैसे गैप अप खुलेगा तो ट्रेड करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि लगातार इतने दूर से खींचते हुए आ रहा है, इतने दूर से लगातार ये आ रहा है, तो इतने दूर से लगातार आ रहा है तो हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग मिल जाए। गैप अप खुलेगा तो बड़ा आसान हो जाएगा ट्रेड करना। हम सीधा 5 मिनट का कैंडल देखेंगे, उसका हाई स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जैसे ही लो ब्रेक करेगा अपन पुट साइड का ट्रेड ले लेंगे, टारगेट आराम से मिल जाएगा अपने, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है तो, फ्लैट खुलता है तो वेट करेंगे। ये सब ट्रेंड लाइन वगैरह है, ये ट्रेंड लाइन वगैरह अगर ब्रेक करता है, लगभग ये ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ, ये ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेक करता है, ये वाला एरिया 17,500 वगैरह ये सब यदि ब्रेक करता है, देन अपन पुट साइड का ट्रेड लेंगे, टारगेट आपको 17,400 तक का, और उसके बाद भी छूटेगा तो 300 तक का आपको ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। अपसाइड का उतना बड़ा मूव नहीं रखूंगा, फ्लैट खुलने के बाद अपसाइड पे मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 500 पॉइंट मूव कर चुका है, तो अपसाइड पे मेरा ज़्यादा मूव रहेगा नहीं। अगर अपसाइड पे निकलता भी यहाँ पे रेंज पे ताके, तो ज़्यादा बड़ा टारगेट रखूंगा, 20-30 पॉइंट का टारगेट रखूंगा, ऐसा कुछ रहेगा मेरा निफ्टी का, क्योंकि ऑलरेडी इतना मूव करके आ चुका है। एक प्रॉफिट बुकिंग तो चाहिए ही अपने को अच्छा मूव करने के लिए, क्योंकि अब ये मूव जो कर रहा है, मूव तो कर रहा है बट प्रीमियम अच्छे से बढ़ नहीं रहे थे, आज तो आप लोगों ने देखा ही था
मार्केट मूव किया बट प्रीमियम उस कदर नहीं बढ़े और बड़ा स्लो मूव कर रहा था, तो एक डिप आएगा तो मूवमेंट काफ़ी फास्ट हो जाएगी मार्केट पर। तो अपन कल एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और ये वाला भी लाइन ब्रेक किया 17480 वगैरह, लेंगे पुट साइड का ट्रेड ऐसे प्राइजेक्शन पे 400 का टारगेट एंड उसके बाद 316 का टारगेट, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसा टारगेट है, फर्स्ट टारगेट ये, उसके बाद यदि नीचे आता है तो यहाँ तक का टारगेट, उसके बाद मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव है, यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। निफ्टी का आई होप क्लियर हो गया होगा, गैप डाउन खुलता है तो वेट करेंगे अपन आरबीआई पॉलिसी का, वेट करेंगे जैसे ही आरबीआई पॉलिसी के बाद कुछ बनता है प्राइजेक्शन 10 मिनट 15 मिनट बाद फिर अपन ट्रेड लेंगे, बाकी मैं लाइव तो कराऊंगा। बैंक निफ्टी का भी ट्रेड है, बैंक निफ्टी का भी लगभग ये है, यहाँ भी इसने बहुत देर से आते हैं डेली चार्ट पे देखते हैं, डेली चार्ट पे भी लगभग ये बहुत दूर फॉलो जा चुका है, देखेंगे तो यहाँ से ही गया और 1300 पॉइंट 1500 पॉइंट के करीब करीब मूवमेंट दे दिया है। अब यहाँ पे भी अपने को एक प्रॉफिट बुकिंग चाहिए होना चाहिए। ट्रेंड लाइन देखते हैं, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है मार्केट, हाँ जी ट्रेंड लाइन को बिल्कुल फॉलो करेगा ही करेगा, तो ये हाई पकड़े और हाई से लगा दिए ट्रेंड लाइन, ठीक है। जब जब मार्केट यहाँ पे आया है इसको टच करके गिर गया है, अभी भी लगभग वहीं पे आया है, तो अगर इसको ब्रेक भी करना है तो यहाँ पे समय बिताएगा, ठीक है। तो वेट करेंगे समय बिताने का, रेजिस्टेंस एरिया करेक्ट 41,000 के करीब करीब है, राउंड लेवल है, वहीं पे क्लोज हुआ 40,990। तो अपन एक या तो देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाए या दो तीन यहाँ पे ऐसा कुछ समय बिताए, और समय बिताने के बाद यदि इसको दो तीन दिन बाद ब्रेक करेगा तो आपको फिर से 1000 पॉइंट का मूवमेंट आपने को देखने को मिल सकता है निफ्टी पे। तो वेट करेंगे एक दो दिन, हो सकता है कंसोलिडेशन करे फिर निकले तो आपको मज़ा आएगा यहाँ। चलिए इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाइए, 15 मिनट चार्ट 1 आवर चार्ट पे देखते हैं, पहले 1 आवर चार्ट पे देखते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये बहुत दिनों से एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, 3 दिन से 1 2 3, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, और अपसाइड का ट्रेंड लाइन ये वाला। अपसाइड में उतना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये इतना मूव करके जा चुका है और प्रॉपर मूवमेंट नहीं दे रहा है। आज देखें थे, आज दिन भर साइडवेज था मार्केट और सेकेंड हाफ में ये मूवमेंट दिया, आप देखेंगे तो ये दिन भर एक साइडवेज ही मूव था, ये ट्रेंड लाइन फॉलो करा लगातार बड़ा धीरे धीरे जा रहा है, तो एक डिप आएगा ना उसके बाद मूवमेंट करेगा तो मस्त मूव करेगा। चलिए तो देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है मार्केट। अब अपन डाउन साइड पर सिंपली कब जाएंगे, डाउन साइड पर एक स्विंग ये पकड़ लेते हैं, इसको मैं सब ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ। चलिए तो ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, अब हो सकता है मैं डाउन साइड पर कब जाऊँगा, अभी तो दिखा रहा है कि हल्का फुल्का गैप डाउन दिखा सकता है मार्केट, तो ये लेवल 40,900, ठीक है, फ्लैट खुला या फिर यहाँ कहीं खुला, आरबीआई पॉलिसी के बाद यदि इसको ब्रेक डाउन करता है मैं पुट साइड का ट्रेड लूँगा, टारगेट सीधा रखूँगा मैं कहाँ तक का 40,000, फर्स्ट टारगेट तो मेरा ये रहेगा, ये जो आज का लो था 40,800, और उसके बाद यदि भी आता है तो ये वाला मेरा लो रहेगा जो कि है 40,680 वगैरह, ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यहाँ तक, और फिर आगे देखेंगे, ठीक है। अपसाइड का व्यू मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखूँगा, ये जो डे हाई है जो कि 41,030 या 41,055 या 60 ये सब निकालता है, ये वाला हाई निकालता है आफ्टर आरबीआई पॉलिसी, अगर यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता है और उसके बाद यदि हाई वगैरह क्लोज करता है फिर अपन देखेंगे 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी पे। आरबीआई पॉलिसी के बाद ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके पहले ट्रेड करना आपको दिक्कत दे सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। गैप डाउन खुलेगा, वेट करेंगे आरबीआई पॉलिसी का, गैप खुलेगा तो बहुत आसान हो जाएगा ट्रेड करना क्योंकि चांसेस हैं कि गैप खुलने के बाद अपने को एक सेलिंग दिख जाए, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि जो लोग यहाँ तक अभी होल्ड करके रखे वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और बुक करने के बाद ही जाएंगे, तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है गैप अप खुलने के बाद। फ्लैट खुलेगा तो वेट करेंगे, आरबीआई पॉलिसी आएगा फिर ट्रेड देंगे, ठीक है। फ्लैट खुलेगा, गैप अप खुलेगा तो बड़ा आसान है, हाई लो मतलब ओपन हुआ यहाँ पे और कैंडल ने उसका लो ब्रेक किया, पुट बाय कर लो, टारगेट सीधा यहाँ पे और नीचे गिरा तो और बड़ा टारगेट, ठीक है। फ्लैट खुला तो वेट करेंगे आरबीआई पॉलिसी का, आरबीआई पॉलिसी के बाद यदि हाई ब्रेक करता है तो हाई अपसाइड का ट्रेड लेंगे, लो ब्रेक करता है तो लो साइड का ट्रेड लेंगे, टारगेट 40,800 और उसके नीचे का 40,680 यहाँ तक का टारगेट रह सकता है। गैप डाउन खुलेगा तो फिर से वेट करेंगे अपन और रेंज बनाने का वेट करेंगे आरबीआई पॉलिसी तक का, यहाँ कहीं खुल गया तो वेट करेंगे। अपसाइड ब्रेक किया तो अपसाइड का ट्रेड, डाउन साइड ब्रेक किया तो डाउन साइड का ट्रेड अपन लेंगे यहाँ तक का टारगेट, सिंपल से, ठीक है। तो आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर हो गया होगा। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं अपन ने, जैसे आज मैंने कुछ स्टॉक्स दिया था, ये ITC दिया था, टेलीग्राम ग्रुप पे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा। ये मैंने 382 पे बाइंग का दिया था जब ये एक मिनट, हाँ जी, तो मैंने 382 जब प्राइस चल रहा था तो मैं यहाँ पे बाइंग का दिया था और यहाँ से मस्त गया 387 पे जा चुका है। अभी भी ये व्यू है हमारा कि 492 तक तो चला ही जाए, आप लोगों ने लिया होगा तो आपको मस्त मूवमेंट देगा ये, 392 तक से 400 तक का टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया हुआ है तो यहाँ तक का टारगेट हो सकता है कल ही दे दे ये, ठीक है, कल नहीं तो आपको 2 से 3 दिन में दे ही देगा ये टारगेट, तो अच्छा मूव किया ITC।
बैंक निफ्टी पे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि सिर्फ HDFC भी स्टॉक मूव किए हैं, बाकी स्टॉक्स मूव नहीं किए। तो आज 2% मूव किया ITC ने, बहुत बढ़िया स्टॉक दिया। कल के लिए स्टॉक देख रहे हैं अपन, डिवीस लैब देख सकते हैं, डिवीस लैब एक बढ़िया स्टॉक है, और हैवल्स तो ये हैवल्स अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, हैवल्स यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। व्यू है कि यहाँ पे ये अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, हैवल्स की नज़र रखिएगा। हैवल्स 1212 के लेवल पे आ चुका है, 1212 का लेवल निकालता है तो आपको मजा आ जाएगा, अच्छा मूवमेंट दे देगा, और 1260 तक का टारगेट रह सकता है हैवल्स पे। लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा बना रहे हैं, ठीक है, ये सब मैं आपको हटा के दिखाता हूँ। ये एंट्री वगैरह तो ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है ये, और अगर ये वाला निकालता है तो आपको मस्त मूवमेंट देगा, देखेंगे तो लगभग ये वाला, तो एक 1212 निकालता है तो आपको मस्त मूवमेंट देगा, ये अपना कहना है। 1260 तक का दे सकता है टारगेट, तो डीवी स्लैब पे नज़र बना के रख सकते हैं, बहुत देर से कॉन्सोलिडेट कर रहे हैं, हैवल्स पे देख सकते हैं, और जैसे 1212 निकालता है 1212 तो आपको मस्त मूवमेंट मिल जाएगा 1261 तक का। अगला स्टॉक है वो है हमारा डीवी स्लैब, तो डीवी स्लैब इज लुकिंग वेरी गुड, ठीक है, अच्छा बेस बनाया इसने, बेस फॉर्म कर लिया। मैं हरदम वेट बोलता हूँ आप लोग को, बेस बनाने दीजिए स्टॉक जब भी ऐसा फॉल होता है, तो यहाँ पे अच्छा फॉल आया था और ये फॉल के बाद यहाँ पे दोबारा इसने बेस बनाना स्टार्ट किया, तो कल नज़र रखेंगे अपसाइड का व्यू। अगर जैसे ही हमारा हाई ब्रेक करता है और हाई के ऊपर निकलता है तो अपन बाय कर सकते हैं, आपको 1-2% का मूवमेंट मिल जाएगा। आइए अपन इसको देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत बढ़िया टाइम फ्रेम होता है। यहाँ पे आज इसने पूरा दिन भर कंसोलिडेशन किया हुआ है, तो जैसे ही इसका हाई निकालता है आप यहाँ पे ले सकते हैं ट्रेड, ठीक है। पाँच यहाँ पे 10 रुपये का स्टॉप लॉस डालेंगे और टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 20 रुपये तक का 2920 2930 यहाँ तक का आपको एक टारगेट मिल सकता है, ऐसा कुछ। कितना परसेंट हो गया ये परसेंट के मामले में देखेंगे तो हाँ लगभग 1% का टारगेट आपको दे सकता है, ठीक है। तो 2880 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए और वहाँ से आप बाय करिए, टारगेट आपको 2920 तक भी दे सकता है। डीवी स्लैब लुकिंग गुड, तो डीवी स्लैब पे नजर रखिएगा। तो दो स्टॉक हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से ट्रेड कीजिएगा। आज मैं लाइव नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा व्यस्त हो गया था, बाकी मैं कल आपके साथ लाइव में मिलूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल।